दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदे वो भी मात्र 2 लाख रुपए में, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो भारत में एसयूवी सेगमेंट को काफी पसंद किया जाता है। एसयूवी कारें ना सिर्फ पावरफुल होती है बल्कि इसमें स्पेस की भी काफी ज्यादा जगह होती है, जिससे आप अपनी फैमिली को इसमें बैठा सकते हैं और साथ ही साथ जरूरी सामान भी इसमें लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। एसयूवी कार को खरीदना आम कारों के अपेक्षा में थोड़ा महंगा पड़ता है। दरअसल ज्यादा पावरफुल के इंजन और ज्यादा स्पेस होने की वजह से इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इसी के बीच एसयूवी की शुरुआती कीमत दोस्तों 9 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक भी जाती है। ऐसे में आज हम आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमें केवल 2 लाख रुपए में मिल सकती है। और आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर 14 लाख की कीमत वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो 2 लाख में कैसे मिल सकती है। तो आपको बता दें कि ये स्कॉर्पियो सेकेंड हैंड है। जी हाँ, जो कार एंड बाइक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये वेबसाइट सेकंड हैंड कार ऑफर करती है, जिन्हें कम कीमत में ग्राहक अपने लिए खरीद सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप अपनी मनपसंद सेकंड हैंड कार को खरीद के उसकी कीमत किश्तों में भी हर महीने दे सकते हैं। बताना चाहूँगा कि कार एंड बाइक की ऑफिशियल वेबसाइट पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के साल 2014 के मॉडल काफ़ी मात्रा में बिकने के लिए उपलब्ध है, जिसे आप 1.80 यानी 1.80 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में ले सकते हैं। बताना चाहूँगा कि इन सभी स्कॉर्पियो की कीमत अलग अलग है, जैसी कंडीशन है वैसी ही कीमत है। इन कार की कंडीशन बेहद ही साफ सुथरी है और अच्छी है, और आप इसे ईएमआई पर भी अपने लिए खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर इस कार की ईएमआई तकरीबन 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के बीच महीना रखी गई है। और आपको एक खास बात दोस्तों बताना चाहता हूँ इस वेबसाइट की, कि यहाँ पर आपको केवल ही महिंद्रा की ही कारें नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की और कंपनियों की कारें सेकंड हैंड मिल जाती है, जिनकी कीमत काफ़ी कम होती है, कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है और एवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक सेकेंड हैंड कार अपने लिए खरीद रहे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कार की कंडीशन देखी जाती है, कि कंडीशन कैसी है, कितना किलोमीटर चली हुई है और इसका कौन सा ऑनर था, ऑनर की क्या हिस्ट्री है और गाड़ी की क्या हिस्ट्री है, मतलब गाड़ी कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, एक्सीडेंट करी हुई नहीं है। इन चीज़ों का आपको पूरे अच्छी तरीके से मुआवना और जांच करनी है, उसी के बाद आपको नेक्स्ट कदम उठाना है। सेकंड कदम दोस्तों क्या होता है कि आपको अपने साथ एक मैकेनिक को लेके जाना है, जो कि आप जो कार ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से चेक कर पाए और आपको उसी टाइम बता पाए कि ये कार आपके लिए सही है या नहीं है। इन दो बातों का दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी मेरा काम था कि आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप इस वेबसाइट का लिंक अपने लिए चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे कौन सी कारें उपलब्ध है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी सिटी का नाम और अपना नाम लिख के हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा। बाकी वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।